हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट केयर। मैं हूं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट महेंद्र सिंह। आज के हमारे इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं टैबलेट जो कि एलमेफ कैम इस्पास टैबलेट है, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले। ये एक पेन किलर टैबलेट कह सकते हो, या फिर एंटी स्पाजम टैबलेट, जो एंठन होती है शरीर के अंदर, उस एंठन को कम करने के लिए इस टैबलेट का यूज किया जाता है। इसके अंदर दो कंटेंट हैं, जो एक एंटी कोलिनर्जिक कैटेगरी से बिलोंग करता है, दूसरा जो NSAID ड्रग्स है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। इसके 10 टेबलेट की मार्केट प्राइस 45 रुपीज़ है, और इसके अंदर दो कंटेंट है, जिसके जो मेफेनेमिक एसिड है ये 250 mg, और डाइसाइक्लोमिन जो हाइड्रोक्लोराइड है ये 10 mg इसके अंदर होता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस टैबलेट के यूजेज, मतलब इस दवाई को किस किस बीमारी में यूज़ किया जाता है, इसको देने के तरीके क्या क्या है एडल्ट्स के अंदर, या फिर कितनी डोज दी जा सकती है, इसको दिन में कितनी बार दिया जा सकता है, और इसको देने के बाद बॉडी में कौन कौन से साइड इफेक्ट्स या दुष्प्रभाव देखे गए हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। बेसिकली इस टैबलेट का उपयोग पेट के दर्द में किया जाता है। पेट के दर्द, जिसमें कि जो मसल्स या फिर पेट के अंदर जो मसल्स या फिर जो इंटेस्टाइन के कारण जो स्पाजम होता है, एंठन होती है, उसके ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो स्पाजम का मतलब है वो एंठन से, जो मसल्स और इंटेस्टाइन की एंठन होती है उसको ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। यह टैबलेट जो एंठन से रिलैक्सेशन प्रदान करता है, और इसके अलावा इस टैबलेट का उपयोग मासिक धर्म, मतलब जो लेडीज के अंदर पीरियड्स के टाइम जो पेन होता है उसको ठीक करने में भी इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है। इस टैबलेट को हमेशा खाने के बाद ही दिया जाता है, और इस टैबलेट को एडल्ट्स के अंदर डोज की बात करें तो दिन में 2 बार इस टैबलेट को अधिकतम दिया जा सकता है, या फिर SOS, मतलब जितनी जरूरत हो उस हिसाब से इस टैबलेट को यूज करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट को लेने के बाद बॉडी के अंदर ये किस प्रकार से वर्क करता है, मतलब इस टैबलेट को ओरली लिया जाता है, पानी के साथ इस टैबलेट को लिया जाता है, उसके बाद ये बॉडी के अंदर जाने के बाद वर्क कैसे करता है, इसका क्राइटेरिया क्या है। सिंपली बात करें तो इसके अंदर दो कंटेंट है, जो डाइसाइक्लोमिन और मेफेनेमिक एसिड, ये दोनों कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला कंटेंट है हमारा डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड, ये एक एंटी कोलिनर्जिक की कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो पेट में मसल्स या फिर इंटेस्टाइन के स्पाजम होते हैं उनसे रिलीफ प्रदान करता है और उनको स्टॉप करता है, और जो इंटेस्टाइन और स्टोमक के अंदर जो अवस्था होती है, कॉन्ट्रेक्शन की अवस्था होती है, उसको रिलैक्सेशन की अवस्था की तरफ ले जाने का काम करती है ये टैबलेट्स, जिससे जो पेन और क्रैम्प्स आ रहे होते हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। यह टैबलेट लगभग 20 से 25 मिनट के बाद अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। जो हमारा दूसरा और लास्ट कंटेंट है मेफेनेमिक एसिड, ये एक NSAID की कैटेगरी से बिलोंग करता है। NSAID मीन्स नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। ये जो NSAID ड्रग है मेफेनेमिक एसिड, ये उन केमिकल मैसेंजर के एक्शन को ब्लॉक करता है जो पेट के अंदर स्वेलिंग और जो एब्डोमिनल पेन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और इन दोनों कॉम्बिनेशन से जो पेट के अंदर क्रैम्प्स और जो स्पाजम होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की इस टैबलेट के बारे में, एलमेफ कैम इस्पास टैबलेट, या फिर इसकी एक फेमस ब्रांड है मेफ्टल इस्पास टैबलेट भी कह सकते हैं, इसके बारे में हमने A to Z इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें।